हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके रेस्टोरेंट स्टाइल वेज ग्रेवी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इंडियन स्टाइल वेज ग्रेवी आप कैसे घर में बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी के साथ। बहुत ही शानदार, बहुत ही अल्टीमेट रेसिपी है, जिससे कि आप कोई भी सब्जी बना सकते हैं। कोई भी आप ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनाना चाहें, आप इसी रेसिपी को यूज कीजिए, इसी ग्रेवी को यूज कीजिए। आप इससे आलू मटर बना सकते हैं, इससे आप पनीर की सब्जी बना सकते हैं, आप इससे चिकन की कोई भी डिश बनाएं, आप इसे मटन की कोई भी डिश बनाएं, कोई भी कैसी भी आप रेसिपी इससे बना सकते हैं। तो बहुत आसान है इसको बनाना और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको सिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं हम। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सरसों के तेल का यूज किया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप भी सरसों के तेल का यूज करें। आप तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दें और उसके बाद में आप इसमें जीरा ऐड करें। तो तेल को गर्म हुए बिना आप इसमें जीरा ना ऐड करें। और ये देखिए, तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें मैं जीरा ऐड कर रही हूँ। तेल हमारा बहुत ज्यादा ना गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए। जीरा आप देख सकते हैं परफेक्टली स्प्लटर हुआ है। और ये देखिए, अब मैंने इसमें डाल दी हरी मिर्च। तो 2 से 3 हरी मिर्च मैंने यहाँ पर काट कर ऐड की। आप अपनी पसंद के अनुसार, अपनी आप स्पाइसीनेस के अकॉर्डिंग हरी मिर्चों को यूज कर सकते हैं। 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने यहाँ पर ग्रेट करके, यानी कि कद्दूकस करके ऐड किया है। आँच को मैंने बिल्कुल धीमा रखा हुआ है। आपको ग्रेवी जो पकानी है बिल्कुल धीमी आँच पर पकानी है, ताकि आपकी ग्रेवी जले भी ना और बहुत बढ़िया बने। और ये देखिए, यहाँ पर कुछ खड़े मसाले मैंने लिए हुए हैं, गरम मसाले लिए हैं, तो आप देख सकते हैं इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 4-5 लौंग लिए मैंने। और ये देखिए, एक बड़ी इलायची मैंने ली है, जिसको मैंने तोड़ लिया, आप देख सकते हैं, ताकि सारा फ्लेवर बाहर आ जाए। 2-3 छोटी इलायची मैंने ली है। और आप देख सकते हैं 4-5 मैंने काली मिर्च लिया है, 1 तेज पत्ता लिया है। तो बड़ी और छोटी इलायची को मैंने यहाँ पर तोड़ दिया है, ताकि सारे फ्लेवर ये तेल के अंदर आसानी से जा सके। और ये देखिए, इसको मैंने ऐड कर दिया है। अब मिक्स करेंगे हम और लगभग 1 मिनट तक हम सौटे करेंगे, ताकि गरम मसाले के सारे फ्लेवर्स हमारे तड़के में चले जाएं। तो तड़का अगर हमारा फ्लेवरफुल बनेगा, तो ग्रेवी भी हमारी बहुत शानदार बनने वाली है। तो आप तड़के को बहुत धीमी आंच पर पकाएं और बहुत अच्छे से आप बिल्कुल पेशेंस के साथ बनाएं। तो हरी मिर्च अदरक आपकी बिल्कुल जलनी नहीं चाहिए, और खड़े मसाले भी आप जरूर ऐड करें। और इसमें आप जो हमने छोटी और बड़ी इलायची ऐड की है, उसको आप थोड़ा सा तोड़कर डालें। चाहे तो जो हमने खड़े मसाले डाले हैं, उनको आप दरदरा कूट कर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, हरी मिर्च और अदरक भुन चुकी है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े साइज की मैंने प्याज लिए, जिसको मैंने ग्रेट किया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आप जब भी कोई ग्रेवी बनाएं, बढ़िया सी अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बनाना चाहते हैं, तो आप कद्दूकस करके प्याज ऐड करें। बहुत जल्दी भुनती भी है और बहुत अच्छा टेक्सचर भी देती है। तो इसलिए मैं जब भी रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी घर में बनाती हूँ, तो मैं ग्रेट करके ही ऐड करती हूँ। और ये देखिए, प्याज को हमें अच्छा सा कलर आने तक भूनना है, बिल्कुल धीमी आंच पर भूनना है, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें आप। और बहुत अच्छे से धीमी आंच पर भून लें, जब तक कि प्याज हमारी बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। क्योंकि जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, ढाबे में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ग्रेवी होती है, उसका कलर बहुत अच्छा होता है, एकदम रेडिश ब्राउन होता है, और बस मुँह देखते ही मुँह में पानी आ जाता है, लगता है कि बस खा लूँ। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट सब्जी, रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी, तो आप ग्रेवी को बहुत धीरे धीरे अच्छे से कुक करें, प्याज को जलने ना दें, और अच्छे से आप इसको ब्राउन हो जाने दें। तो हमारी कोई भी आप इससे सब्जी बनाएंगे, बढ़िया ही बनेगी। तो ये देखिए, प्याज को मैंने बहुत अच्छे से धीमी धीमी आंच पर लगभग 10 मिनट तक भूना है। आप देख सकते हैं एकदम ब्राउन हो चुकी है और बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। तो प्याज को हमें ऐसे ही भूनना है, और आप देख सकते हैं साइड्स में इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर अब इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक का पेस्ट। तो हमने जिंजर पेस्ट तो पहले ही डाला हुआ था, जिंजर हमने ग्रेट करके ऐड किया था। अब हम इसमें 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक को ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो आप गार्लिक को काट कर भी ऐड कर सकते हैं। तो गार्लिक के पेस्ट को भी अच्छे से प्याज के साथ आप भून जाने दें, लगभग 2 मिनट तक ऐसे ही भून लें। और ये देखिए, आप देख सकते हैं गार्लिक भी अच्छे से भून चुका है, और आप देख सकते हैं साइड्स में ऑयल रिलीज हो गया है फिर से। तो फ्रेंड्स, अब टाइम है इसमें कुछ मसाले ऐड करने का। तो सबसे पहले तो हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, यानी कि कोरिएंडर पाउडर ऐड कर रहे हैं। तो लगभग 2 टीस्पून भरकर हम इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर। तो ये देखिए, लगभग आधी चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दें। इसके साथ ही आप इसमें ऐड कर दीजिए रेड चिली पाउडर। वैसे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो ज्यादा ऐड करें, कम तीखा खाते हैं तो कम ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगभग 1 चम्मच भरकर यूज करूंगी देगी मिर्च का पाउडर। आप देख सकते हैं कितना रेड है, ये थोड़ी सी कम तीखी होती है और कलर बहुत अच्छा देती है। आप कोई भी ग्रेवी बनाए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप इसका ही यूज करें, काश्मीरी रेड चिली पाउडर का यूज करें, देगी मिर्च का यूज करें, तो बहुत अच्छा कलर देगी। और ये देखिए, भून लीजिए मसालों को, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही हमें भूनना है, लगभग 2 मिनट तक आप भून लीजिए।
तो बहुत पेशेंस के साथ अगर आप ग्रेवी को तैयार करेंगे, एकदम स्लो फ्लेम पर अगर आप पकाएंगे तो ग्रेवी बहुत बढ़िया बनेगी। अगर आपकी प्याज जल जाएगी तो समझिए कि सारा के सारा मामला खराब हो जाएगा और पूरी की पूरी जो हमारी ग्रेवी है उसका टेस्ट स्पॉइल हो जाएगा। तो ये देखिए, मसालों को अच्छे से धीमी आंच पर भून लीजिए और उसके बाद में हमें इसमें ऐड करना होगा टमाटर का पेस्ट। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट आप लगभग 3-4 टमाटर ले लें, बिल्कुल रेड टमाटर लें और उसका आप मिक्सी में प्यूरे बना लें, वो आप ऐड कर सकते हैं। और चाहें तो आप होममेड या फिर मार्केट से लाकर टोमेटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 2 कप के करीब टोमेटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ, इसको मैंने घर पर बनाया है। अगर आप इससे कोई भी सब्जी बनाएंगे, कोई भी रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनाएंगे तो इससे कलर बहुत अच्छा आता है, साथ ही बहुत जल्दी बनती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप होममेड टोमेटो प्यूरी ऐड करें। अगर आप होममेड टोमेटो प्यूरी की रेसिपी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको जरूर बहुत जल्द सिखाऊंगी। इसके साथ ही देखिए, जैसे ही आप इसमें टमाटर डालें वैसे ही आप इसमें नमक भी ऐड कर दें ताकि जो टमाटर है वो जल्दी से भुन जाए और जल्दी से ऑयल को रिलीज कर दें। तो जब हमने टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड किया है तो उसके बाद भी हमें इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से भूनना है। आप चाहें तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा आंच को तेज भी कर सकते हैं, तो लो मीडियम फ्लेम के बीच में आप कर दीजिए और साइड्स में जब तक ऑयल नहीं आ जाता तब तक आप इसको पकाते रहिए। और ये देखिए, आप देख सकते हैं ग्रेवी में ऑयल रिलीज होने लगा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, टमाटर का पेस्ट काफी अच्छे से भुन चुका है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल कलर भी आ चुका है और टेक्सचर भी बहुत प्यारा है। तो फ्रेंड्स, वैसे मैंने यहाँ पर टोमेटो प्यूरी, होममेड टोमेटो प्यूरी का यूज किया है। आप सिंपली टमाटर ले लें, 3-4 आप टमाटर ले लें और उसका पेस्ट बना सकते हैं आप मिक्सी में और वो आप ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, पर अभी हमने इसको फिनिश नहीं किया है, अभी इसमें कुछ चीजें डालना और बाकी हैं जो इस ग्रेवी को बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया बना देगी। आप इससे मटर पनीर की सब्जी बनाइए, आप इससे आलू दम बनाइए, आप इससे आलू मटर बनाइए, बहुत बढ़िया बनेगा। और ये देखिए, आधी चम्मच अब आप इसमें ऐड कर दीजिए लास्ट में गरम मसाला पाउडर, लास्ट में हमें इसमें ऐड करना है, याद रखें आप। होममेड किचन किंग मसाला और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया मसाला है। ऐसे ही मैं नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ अपने रेसिपी को प्रमोट करने के लिए। आप बना के देखिए, आधी चम्मच मैंने ऐड किया है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया है, आप ग्रेवी में यूज करेंगे फिर आप बात बोलिएगा कि आपको कैसी लगी। 1 टीस्पून आप इसमें ऐड कर दीजिए लास्ट में कसूरी मेथी, जो कि बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल खुशबू आ जाएगी आपकी ग्रेवी में। तो आप कोई भी सब्जी बनाइए, आप ये सब्जी से ही अपनी सब्जी को बनाएं, आप देखिएगा बहुत बढ़िया बनेगी। एक बात और है कि हमने इसको स्लो फ्लेम पर पकाया है और ग्रेवी काफी अच्छे से पक चुकी है, तो इस ग्रेवी को आप रख सकते हैं आराम से, आप इसको लगभग 10 से 12 दिन तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में। नॉर्मल ये टेम्परेचर पर जब आ जाए आप इसको रख सकते हैं और इसको आप यूज करें। तो ये देखिए, अब हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है, पर इसको अब हम 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ढककर रख देंगे ताकि जितने सारे हमने भी मसाले डाले हैं लास्ट में उसका फ्लेवर पूरी ग्रेवी में अच्छे से आ जाए और ऑयल भी रिलीज हो जाए। और ये देखिए, 2 से 3 मिनट मैंने इसको पका लिया और आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाया और आप देख सकते हैं ग्रेवी ने ऑयल रिलीज कर दिया है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार हमारी ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है। तो रेस्टोरेंट स्टाइल, इंडियन स्टाइल ग्रेवी बनकर बिल्कुल रेडी है और आप देखिए कितनी बढ़िया है। मेरा किचन पूरा फ्लेवरफुल हो रखा है इस समय और आप इसको ट्राई कीजिए, किसी भी फेस्टिवल पर बनाइए, फेस्टिवल का मौसम है तो इसको तैयार कीजिए। आपके घर में कोई पार्टी हो, किटी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, कभी भी आप इस ग्रेवी से कोई भी सब्जी बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ग्रेवी की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर आपकी कोई भी और रिक्वेस्ट हो, कोई रेसिपी रिक्वेस्ट हो, कोई और सुझाव हो या फिर कोई और शिकायत हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगी। आप जब भी मुझे कॉमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर इसी तरीके से मेरी रेसिपीज को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।